हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग एकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित भी होंगे। एज यू नो, क्लास 11 का चैप्टर प्लांट टिश्यूज एंड एनाटॉमी हम लोग का रनिंग में है और लास्ट मैंने आप लोगों को प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट वाला पार्ट कंप्लीट करा दिया था और आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। द वर्टिकल ग्रोथ ऑफ द रूट्स एंड स्टेम्स इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ। ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग वीडियो में देख ही लिया था, अपने स्टार्टिंग के जो इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग कर रहे थे कि जो रूट्स और स्टेम्स की लेंथ इंक्रीज होती है, जो रूट्स और स्टेम की लेंथ इंक्रीज हो रही है, ग्रो हो रही है, किसकी वजह से होती है? एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज की वजह से होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। डाइकोटिलेडोन्स प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म एग्जिबिट इंक्रीज इन गर्थ ऑफ रूट्स एंड स्टेम। यही हम लोग डाइकोटिलेडोन्स प्लांट्स की बात करें, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की बात करें, तो इनमें जो रूट्स और स्टेम है उनकी गर्थ भी इंक्रीज होती है। इन डाइकोट स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ ए कंटिन्यूस कैम्बियम रिंग। लेकिन हम लोग डाइकोट स्टेम्स की बात करें, डाइकोट स्टेम्स का मतलब है ऐसे प्लांट जिसमें दो कोटिलेडोन्स प्रेजेंट होते हैं, डायकॉट, तो उनमें जो सेकेंडरी ग्रोथ में बिगेन होती है वो स्टार्ट होती है कैम्बियम रिंग की फॉर्मेशन से। प्लांट्स में एक्चुअली क्या होता है, कैम्बियम टिश्यू होता है, कैम्बियम टिश्यूज की पूरे प्लांट पर इस तरीके से रिंग की फॉर्मेशन होती है और जिस किसी भी प्लांट्स पे ऐसे कैम्बियम रिंग्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है तो समझ लीजिए वो प्लांट टू सेकेंड ग्रोथ में एंटर कर चुका है। The cambium present between the primary xylem and primary phloem of a vascular bundle is called intrafascicular cambium. Last हम लोगों ने डायग्राम देखे थे कि जो हमारा cambium tissue है xylem और primary vascular bundles tissues के बीच में between present रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं intrafascicular cambium. The cells of medullary rays adjoining these intrafascicular cambium strips become meristematic, regain the capacity to divide and form the intrafascicular cambium. The cells of medullary cell rays, यहाँ पे medullary cells होते हैं plants में, कुछ वो क्या करते हैं, जो cambium tissues की strips होती हैं उनके साथ join हो जाते हैं। The cells of medullary joined with intrafascicular cambium tissue and become meristematic, और वो meristematic tissues की form ले लेते हैं। meristematic tissues कौन से होते हैं? जिनमें divide करने की capacity होती है and then formation हो जाती है interfascicular cambium tissues की। This is a complete and continuous ring of vascular cambium is formed, और इसी के पूरे combination की वजह से जो vascular cambium tissues की एक ring formation होनी चाहिए पूरे plants पर वो होना स्टार्ट हो जाती है। एंड द कैम्बियम रिंग कट्स ऑफ न्यू सेल्स टुवर्ड बोथ द साइड्स इनर एंड आउटर। ये जो कैम्बियम रिंग है इस तरीके से प्लांट्स के बाहर और अंदर की साइड जितने भी सेल्स हैं उनको कट करते हुए अंदर और बाहर की तरफ एक रिंग बनाना शुरू कर देते हैं कैम्बियम टिश्यू। द सेल्स दैट आर कट ऑफ टुवर्ड्स इनर साइड मैच्योर इनटू सेकेंडरी ज़ाइलम and the cells that are cut off towards periphery mature into secondary phloem. जो cells अंदर की side, inner side में cut हो गए पूरे ring की वजह से, बीच में से cut हो गए, वो दोबारा से mature हो जाते हैं और secondary xylem tissues को उसकी formation में आ जाते हैं। और जो periphery tissues थे, periphery cells थे, यानी कि outer cells, आउटर साइड के सेल्स, कौन से आउटर साइड के जो सेल्स थे जो बाहर की साइड कैम्बियम रिंग्स की फॉर्मेशन की वजह से कट हो गए थे, वो अपने आप को मैच्योर करती हैं और किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं? सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यूज की। जनरली द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज मोर देन द सेकेंडरी फ्लोएम। लेकिन एक देखा जाए तो सेकेंडरी जाइलम टिश्यूज ज्यादा होते हैं कंपेरिजन टू सेकेंडरी फ्लोएम tissues. In woody plant, secondary tissues constitute the bulk of the body.
हम लोग वुडी प्लांट्स में बात करें, वुडी प्लांट्स कौन से होते हैं जिसमें वुड बहुत ज्यादा होती है? तो इसमें जो सेकेंडरी टिश्यूज होते हैं ना, सेकेंडरी टिश्यूज का मतलब जाइलम और फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, ये पूरे वुड की फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि पूरे वुडी प्लांट्स में जो बल्क होता है ना, जो भार होता है वुड का, वो कौन से टिश्यूज की वजह से होता है? सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज की वजह से, जो कि प्लांट को सपोर्ट, कंडक्शन, वाटर, मिनरल्स और प्रोटेक्शन सब प्रोवाइड करते हैं। एंड लेटरल मेरिस्टेम प्ले अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी टिश्यू, और सेकेंडरी टिश्यूज के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि उन्हें मेच्योर होना है ना, तो इनके मेच्योर होने के लिए, पूरे तरीके से डेवलप होने के लिए कौन से टिश्यूज हेल्प करते हैं? लेटरल मेरिस्टेम टिश्यूज। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग कैसे होती है? विद द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल सीजन मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम एक्टिव। देखिए, हर किसी का अपना एक टाइम पीरियड होता है, सीजन होता है। जैसे ही एक फेवरेबल सीजन आता है कैम्बियम टिश्यूज का, ज्यादा ऑटम होता है, नॉट स्प्रिंग, जैसे ही फेवरेबल सीजन आता है कैम्बियम टिश्यूज के लिए, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं, मतलब उनमें बहुत सारी एनर्जी आ जाती है अपने काम करने के लिए। एंड साइमल्टेनियसली द पेरेन्काइमा सेल्स बोथ फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स एंड रे इनिशियल्स बिकम मेरिस्टेमेटिक। और जो पेरेन्काइमा सेल्स थे, पेरेन्काइमा सेल्स जो प्राइमरी पेरेन्काइमा थे, बाद में फिर सेकेंडरी पेरेन्काइमा थे, यानी कि इनिशियल स्टेज पे, फाइनल स्टेज पे, बिकम मेरिस्टेमेटिक, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक में हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। दिस इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। दीज फॉर्म पैच ऑफ द कैम्बियम सेल्स, दैट मीन मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इन बिटवीन द एडजेसेंट बंडल्स एंड प्रोड्यूस इंट्राफ्यूसिकुलर कैम्बियम। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ये क्या करते हैं? ये इकट्ठे हो जाते हैं और एक बंडल बना लेते हैं, बहुत सारे एकदम एक बंच हो गए, एक तरीके एक साथ इकट्ठे हो गए और एक बंडल बना लिया। अब बंडल बनाने के बाद किसको प्रोड्यूस करते हैं? कैम्बियम टिश्यूज को, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम टिश्यूज को। नाउ बोथ इंट्राफेसिकुलर एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जॉइन एंड फॉर्म अ कंप्लीट रिंग। जैसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे प्लांट है एक और इसके बीच में मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने पूरा बंडल्स बनाया, तो आधे बंडल ने कौन से सेल्स बनाए? इंट्राफेसिकुलर, और दूसरी साइड में कौन से, मतलब बंडल बनाए? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये दोनों, जैसे जैसे ये पूरा प्लांट है, एक साइड इंट्राफेसिकुलर, दूसरी साइड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये दोनों सेल्स एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं, पूरे पेड़ की गर्थ को, और एक रिंग की फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैम्बियल रिंग। And this is possible because they lie in one plane. और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगे, एक ऊपर फॉर्म हो जाए, एक नीचे की साइड फॉर्म हो जाए, तो क्या रिंग बनेगी? कभी नहीं। एक ही प्लेन पर लाई करने की वजह से ये कैम्बियल रिंग फॉर्मेशन बन सकती है, अदरवाइज नहीं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये फ्लोएम टिश्यू, यहाँ पर जाइलम टिश्यू, ग्रीन वाला पार्ट जाइलम है, पर्पल वाला पार्ट आपको फ्लोएम शो कर रहा है, ठीक। और यहाँ पे इसके आसपास ये पिथ प्रेजेंट है, पूरा गड्ढा सा एक। अब यहाँ पे धीरे धीरे होता क्या है, जैसे अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पर भी पिथ प्रेजेंट है। सबसे पहले आप देखिए ये वाली लेयर, और यहाँ से लेकर ये बार्क होती है, छाल जिसे हम लोग बोलते हैं, पूरा बार्क बोलते हैं ना, पूरी जो इतनी भी मोटाई होती है उसको हम लोग बार्क बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्राइमरी जाइलम टिश्यूज थे, फिर यहाँ पे पहले ये जो आपको सिर्फ ये इस तरीके से सर्कुलर शेप में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है प्राइमरी जाइलम। फिर यही प्राइमरी जाइलम किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ये पूरा सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी जाइलम में, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक पर्पल कलर की लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये है हमारे सेकेंडरी फोइलम, और यहाँ पे जो आपको ये सर्कुलर शेप में पर्पल दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर, ये है हमारा प्राइमरी फ्लोएम। के बाद यहाँ पे कॉर्क टिश्यू आ जाता है, यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं जगह जो खाली है, यहाँ पे कॉर्क टिश्यू। फिर आउटर लेयर कौन सी होती है हमारी? एपिडर्मिस होती है।
और कॉर्क में हमारा पूरे कॉर्क कैम्बियम टिश्यू भी प्रेजेंट होता है और कॉर्टेक्स भी प्रेजेंट होता है। इस तरीके से पूरे ये जो रिंग होती है ना डाइकॉट स्टेम की, जो ग्रोथ होती है डाइकॉट स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ इस तरीके से होती है। पहले प्राइमरी जाइलम, फिर सेकेंडरी जाइलम, फिर प्राइमरी फ्लोएम, फिर सेकेंडरी फ्लोएम, फिर कॉर्क आता है, फिर उसमें कॉर्क के साथ कैम्बियम टिश्यू भी आ जाता है, एपिडर्मिस लेयर आ जाती है, एंड देन जो कॉर्टेक्स है, जो व्हाइट व्हाइट सब्सटेंस होता है कॉर्टेक्स, उसकी भी फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ द सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। अभी हमने स्टेम में पढ़ा, अब रूट्स में भी देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन द मोस्ट ऑफ द डायकॉट एंड जिम्नोस्पर्मिक रूट्स बाय प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यूज एंड पेरिडर्म। देखिए जो सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यूज है या पेरिडर्म है, यानी कि एपिडर्मिस, पेरिडर्म मतलब एपिडर्मिस टिश्यू, वो हम लोग डाइकॉट या जिम्नोस्पर्मिक जो हमारी रूट्स होती है उसमें भी हम लोग उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रोड्यूस्ड बाय वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ होती किसकी वजह से है? कैम्बियम टिश्यू और कॉर्क कैम्बियम टिश्यूज की वजह से। यहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ चाहे वो स्टेम्स में हो चाहे रूट्स में हो, कौन से टिश्यूज की वजह से हो रही है? वास्कुलर कैम्बियम टिश्यू और कॉर्क कैम्बियम टिश्यूज की वजह से। कंजक्टिव पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट ऑन द इनर एज ऑफ अ प्राइमरी फ्लोएम बंडल्स बिकम मेरिस्टमेटिक। जैसे ये हमारे इस तरीके से था, इनर की साइड में प्राइमरी फ्लोएम टिश्यूज प्रेजेंट थे बिल्कुल सर्कुलर शेप में, और वहीं पर उसके पास प्रेजेंट थे पैरेन्काइमा सेल्स। अंदर रूट्स के अंदर एक प्राइमरी फ्लोएम टिश्यूज का बंडल प्रेजेंट था और उसी के पास पैरेन्काइमा सेल्स थे। जैसे ही प्लांट्स की रूट सेकेंडरी ग्रोथ में एंटर करती हैं, ये सेल्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? पेरेन्काइमा सेल्स, मेरिस्टमेटिक में। दीज सेल्स ऐड सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम ऑन द इनर एंड आउटर साइड रिस्पेक्टिवली, सेम एज इट इज। जैसे अभी हमने ये पढ़ा स्टेम में, सबसे पहले कौन सा था? अंदर जाइलम थे प्राइमरी जाइलम, फिर सेकेंडरी जाइलम थे, फिर सेकेंडरी फ्लोएम थे, फिर प्राइमरी फ्लोएम थे। यहाँ पर भी ऐसे होता है। दीज सेल्स एड सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम ऑन द इनर एंड आउटर साइड, यानी कि अंदर की साइड भी और बाहर की साइड भी। एंड दीज इवेंट्स आर सिमिलर टू सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम। ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है जो कि स्टेम्स में ग्रोथ होती है आपकी, सेकेंडरी ग्रोथ लाइक दैट। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन स्प्रिंग वुड, जिसे हम अर्ली वुड और स्प्रिंग वुड कहते हैं, इज फॉर्म विच हैज ब्रॉडर जाइलम बैंड्स, लाइटर कलर ट्रैकीज विद थिन वॉल, वाइड ल्यूमेन फाइबर्स आर लेस इन नंबर एंड लो डेंसिटी। देखिए वुड की फॉर्मेशन की बात करें तो वुड जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे कि स्प्रिंग वुड हम कहते हैं, स्प्रिंग वुड की जब फॉर्मेशन होती है तो उसका जो ब्रॉडर जाइलम जो बैंड्स होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, कलर थोड़ा सा लाइट होता है, ट्रैकीज प्रेजेंट होते हैं थिन वॉल के साथ, वाइड ल्यूमन होता है, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं बट लेस नंबरिंग में, लो डेंसिटी होती है, हल्की होती है, मोटे का ना हल्की होती है। वेयर इज ड्यूरिंग अनफेवरेबल सीजन, दैट इज ऑटम वुड। अनफेवरेबल सीजन की बात करें तो ऑटम वुड है, इज फॉर्म विच इज नैरो जाइलम बैंड, जाइलम बैंड नैरो हो जाता है एकदम पतला, डार्कर इन कलर, ल्यूमन इज नैरो, वॉल्स आर थिक विद एबंडेंट फाइबर्स आर प्रेजेंट ऑन हाई डेंसिटी। अब ना कभी ऑटम की वुड को तोड़ना, वेट करना बहुत भारी होगी हाई डेंसिटी, यही आप स्प्रिंग वुड को वेट करना लो डेंसिटी, इससे पता चल जाएगा कौन सी अच्छी वुड है कौन सी नहीं है। ट्रैकरी एलिमेंट्स ऑफ हार्डवुड आर प्लग्ड बाय इन ग्रोथ ऑफ एडजेसेंट पेरेन्काइमा सेल्स, दैट इज स्टाइलोसिस। इसके अलावा जो हमारा हार्डवुड होता है, हार्डवुड में क्या होता है, जो ग्रोथ होती है पेरेन्काइमा सेल्स की ट्रैकरी एलिमेंट्स की वजह से होती है। ट्रैकरी एलिमेंट्स जो आपके जाइलम में ट्रैकीट्स होते हैं, मतलब ट्रैकीट मतलब ट्रैकीट्स एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हार्ड वुड में प्रेजेंट होने की वजह से पेरेन्काइमा सेल्स की ग्रोथ करते हैं। एग्जाम्पल में लिखा भी हुआ है यहाँ पर टाइलोसिस, एग्जाम्पल इज टाइलोसिस। दे आर फिल्ड बाय ऑयल्स, गम, इसमें ऑयल, गम, रेजिन, टैनिंस प्रेजेंट होते हैं, आर कॉल्ड एज एक्सट्रैक्टिव, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिव, क्योंकि इसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उससे। द
This inner non-functional durable part, which is resistance to pathogen, is called duramen or hardwood. और जो वुड का अंदर वाला पार्ट होता है ना, जिसका कोई फंक्शन नहीं है, ड्यूरेबल है. ड्यूरेबल मतलब आप उससे कुछ भी बनाइए, बड़ा टाइम मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलता है. रेजिस्टेंस टू पैथोजन, पैथोजन की एंट्री नहीं होने देता, उसको हम लोग बोलते हैं हर्ट वुड. इट इज कॉल्ड हर्ट वुड. आउटर लाइन फंक्शनल पार्ट ऑफ सेकेंडरीज आएगा. सेल्स आर लिविंग, यही हम आउटर पार्ट की बात करें. जाइलम प्रेजेंट होते हैं जो कि फंक्शनल होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, नो डिपोजिशन, लाइटर होते हैं, लेस ड्यूरेबल होते हैं, मोर ससेप्टेबल टू पैथोजन्स एंड इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ सैप, इज कॉल्ड सैप फुट. सपोज करिए आपने वुड ले ली. वुड में दो पार्ट होते हैं, एक अंदर वाला होता है, एक बाहर वाला होता है. आप लोग कभी गए होंगे वुड की शॉप पे, जो लोग पूरा वुड को काट के पूरी शेप प्रोवाइड करते हैं, आपने वहां पे एक चीज देखी होगी, जो वुड की जो आउटर लेयर होती है ना, तो वो जो कारीगर होते हैं, लेबर होती है, वो क्या करती है, आउटर लेयर को रिमूव कर देती है. और जो अंदर वाला पार्ट होता है, वो उसका यूज करके कोई भी फर्नीचर बनाती है. क्यों? क्योंकि वो कैसी है, ड्यूरेबल पार्ट है, रेजिस्टेंस टू पैथोजन है. यही पे इसकी जो आउटर लेयर होती है कितनी पतली सी होती है, प्लाई, हम लोग मतलब प्लाई उसी से बनती है, कितनी जल्दी टूट जाती है. पैथोजन अगर थोड़ा सा भी कुछ मतलब दीमक वगैरह ऐसी जगह पे रख दिया जाए, तो दीमक कितनी जल्दी लग जाएगी, टर्माइट्स वगैरह, ससेप्टेबल टू पैथोजन्स. इसका काम क्या होता है, सिर्फ सैप को कंडक्ट करना होता है. सैप मतलब जो वाटर न्यूट्रिशन होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सैप वुड, या फिर एल्बुमिनियम भी कह सकते हैं, स्पेशली सैप वुड कहते हैं. तो ये दो पार्ट होते हैं वुड के, एक इनर वाला और एक आउटर वाला. जो भी फर्नीचर बनाया जाता है ना, वो इनर वाले से बनाया जाता है, आउटर वाले से भी बनता है, लेकिन ड्यूरेबल नहीं होता बहुत जल्दी. सपोज कर लिया, अगर आपके घर में कोई सामान आप लेके आए फर्नीचर, एंड वो टूट गया अंडर 6 मंथ ऑफ वन ईयर, तो कौन सी वुड है, वो सैप वुड है, जो आउटर पार्ट होती है. नेक्स्ट है कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी ग्रोथ. इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ स्टेम बाय सेकेंडरी ग्रोथ इज मेनली ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट ऑन द आउटर कॉर्टिकल लेयर. देखिए, आपने देखा है कि जो स्टेम है वो डायमीटर में, पहले स्टेम इतनी पतली होती है, फिर इतनी मोटी, फिर इतनी मोटी, ऐसे ऐसे करके क्या है, बढ़ती चली आती है ना, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ कर रही है. किसकी वजह से कर रही है, क्योंकि इसके आउटर कॉर्टिकल लेयर में, कॉर्टिकल लेयर ना जो आउटर इसकी लेयर होती है, उसमें टिश्यू प्रेजेंट रहता है, दैट इज द वास्कुलर कैम्बियम टिश्यू. जो स्टेम की जो गर्थ है ना, डायमीटर, उसको सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है. When epidermis get ruptured, it becomes necessary to replace these cells by new cells. जैसा कि हम लोगों ने पढ़ाई है कि जो epidermis cells है वो outer layer बनाते हैं पूरे plant की. तो जब कभी भी epidermis के cells ruptured हो जाते हैं, तब बेकार हो जाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि उनके cells को new cells से बदला जाए, replace किया जाए. So cork cambium develops in extracellular region of the stem. तो जो रप्चर्ड प्लेस होता है, उस जगह पर कौन से नए सेल्स की लेयर आ जाती है, कॉर्क कैम्बियम सेल्स और टिश्यूज की लेयर डेवलप हो जाती है वहां के एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए. एंड द आउटर कॉर्टिकल सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स बिकम मेरिस्टमैटिक एंड प्रोड्यूस अ लेयर ऑफ थिन वॉल्ड रेक्टेंगुलर सेल. और वहां के जो आउटर लेयर के कॉर्टिकल सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाती है, यानी कि मेरिस्टमैटिक बन जाते हैं, एंड देन वहां पे एक थिन लेयर रेक्टेंगुलर सेल्स की बना देते हैं. एंड दीज सेल्स कट ऑफ न्यू सेल्स ऑन बोथ साइड्स. और इसी की वजह से जो जितने बीच में जो एपिडर्मिस लेयर रप्चर्ड हो गई है, वो दोबारा से न्यू सेल से क्या हो जाती है, फिल्ड अप हो जाती है. एंड द सेल्स प्रोड्यूस्ड ऑन आउटर साइड डेवलप कॉक, वेयर इज द इनर साइड प्रोड्यूसेस सेकेंडरी कॉर्टेक्स. जैसे ये प्लांट है, जैसे ये क्या है, एक सेकेंड, जैसे सपोज करिए कोई स्टेम है, इस स्टेम की जो आउटर लेयर होगी वो एपिडर्मिस की होगी, जैसे हमारी बॉडी की स्किन होती है, वहां पे एपिडर्मिस होगी. लेकिन एपिडर्मिस बाय चांस ड्यू टू एनी रीजन हो गई ब्रेक, मतलब रप्चर्ड हो गई, खराब हो गई. अब इतनी बीच की खराब हो गई है, तो प्लांट खराब होने के चांसेस रहते हैं. तो यहाँ पर जो कैम्बियम टिश्यू है, कॉर्क कैम्बियम टिश्यू क्या करेगा, यहाँ पे जो कॉर्क कैम्बियम टिश्यूज है, होते हैं सेल्स होते हैं जो कि कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, वो मेरिस्टमैटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं.
मेरिस्टमैटिक सेल्स में इसलिए कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि मेरिस्टमैटिक अपने सेल्स अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, उनके अंदर कैपेसिटी है डिवाइड करने की। जैसे ही ये मेरिस्टमैटिक यानी कि कॉर्टिकल सेल्स मेरिस्टमैटिक में कन्वर्ट हुए, ये अपने आप को डिवाइड करना शुरू करते हैं। डिवाइड करते 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 ये पूरे न्यू सेल्स की एक लेयर बना देते हैं। जो अपर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं कॉर्क, और जो अंदर की साइड लेयर बनती है वो होती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्योंकि जो एपिडर्मिस है ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ये अपर लेयर है, एपिडर्मिस भी थोड़ा सा थिक, जो एपिडर्मिस सेल्स की लेयर होती है थोड़ी सी थिक होती है। तो उस थिकनेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक इनर वाली थिकनेस और एक आउटर वाली। तो जो आउटर वाली जो लेयर होती है, जो नई सेल्स की लेयर आती है, इट इज कॉल्ड कॉर्क। और जो इनर वाले लेयर होती है जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस होके आते हैं, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और देन हम लोगों का जो एपिडर्मिस रप्चर्ड हो गए थे सेल्स और उसकी वजह से प्लांट खराब होने के चांसेस थे, कॉर्क और कॉर्टेक्स की वजह से क्या होगा, दोबारा से बच गया प्लांट, दोबारा से एक तरीके से स्किन का काम करने लगेंगे। ना तो कॉर्क इज इम्पर्वियस इन नेचर एंड डज नॉट अलाउ एंट्री ऑफ वाटर ड्यू टू समराइज्ड सेल। जो कॉर्क है नेचर में इम्पर्वियस है यानी कि वाटर की एंट्री को अलाउ नहीं करने देता। सुब्राइज वॉल्स होती है, सुब्राइज मतलब वैक्सी सब्सटेंस होता है, सुब्राइन सब्सटेंस। जो वैक्सी सब्सटेंस होने की वजह से कॉर्क की जो लेयर होती है एपिडर्मिस की जगह पे, वो वाटर की अलाउ नहीं करती एंट्री। एंड द सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज पैरेन्काइमस इन नेचर। और जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स लेयर है वो एक तरीके से पैरेन्काइमा टिश्यू की तरह वर्क करती है नेचर में। फैलोजिन फैलेम एंड फैलोडम कॉन्स्टिट्यूट पेरिडर्म। पेरिडर्म लेयर होता है, फैलोजिन फैलेम और फैलोडम सेल्स कौन से टिश्यूज की फॉर्मेशन करते हैं, पेरिडर्म की। एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम डेवलप्स अ प्रेशर ऑन द अदर सेल्स एंड दीज सेल्स डाई। अब देखिए जो कॉर्क कैम्बियम टिश्यूज हैं वो भी अपना वर्क कर रहे हैं, उनका वर्क ज्यादा हो जाने की वजह से वो कॉर्क कैम्बियम सेल्स और टिश्यूज अपने आसपास के अदर सेल्स पर डेवलप प्रेशर करते हैं, प्रेशर को डेवलप करते हैं। और ज्यादा प्रेशर डेवलप हो जाने की वजह से उसके आसपास के सेल्स क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। बार्क इज नॉन टेक्निकल टर्म रेफरिंग टू सेल टाइप्स फाउंड एक्सटर्नल टू वास्कुलर कैम्बियम इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम एंड द बार्क ऑफ अर्ली सीजन इज सॉफ्ट एंड ऑफ द लेट सीजन इज हार्ड। देखिए जो बार्क होती है, बार्क एक तरीके से नॉन टेक्निकल टर्म है जिसमें डिफरेंट टाइप के जो सेल्स हैं फाउंड आउट होते हैं, जिसमें वास्कुलर कैम्बियम टिश्यूज भी होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम भी होता है। जब बार्क पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता अर्ली सीजन में, तो वो बहुत सॉफ्ट होती है। जैसे ही लेट सीजन हो जाता है यानी कि उसका सीजन पूरा क्रॉस हो गया, मेच्योर हो गया, वही बार्क क्या है, हार्ड हो जाती है। एंड लेंटिकल्स आर रिटर्निंग पोर्स प्रेजेंट एज द सोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द बार्क। जैसे लीव्स पे जो पोर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रोमेटा। सेम एज इट इज पूरे ऑल ओवर जो बार्क होती है ना, स्टेम रूट्स बार्क होती है, उन पर भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनको हम स्ट्रोमेटा नहीं कहते, उन्हें हम कहते हैं लेंटिकल्स। लेकिन काम करते हैं स्ट्रोमेटा की तरह, जैसे स्ट्रोमेटा ओपनिंग हो रही है, क्लोजिंग हो रही है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, वाटर का एक्सचेंज हो रहा है, रिलीज ट्रांसपिरेशन। अब लेकिन स्ट्रोमेटा सिंपली प्लस्मेलिक्स में होते हैं, लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं बार्क में, जो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, वाटर का ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं, जो स्ट्रोमेटा करता है सेम एज इट इज, ओपनिंग और क्लोजिंग भी होती है। एंड दीज आर द पोर्शंस ऑफ पेरिडर्म। और जो लेंटिकल्स है ना, ये पेरिडर्म टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन फैलोजन एक्टिविटी इज मोर, लेंटिकल्स आर मीन फॉर एक्सचेंज गैसियस एंड वाटर वेपर एक्सचेंज। समझ जाइए कि जब फैलोजन सेल्स की एक्टिविटी बढ़ जाए तो लेंटिकल्स के जो फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज का, वाटर वेपर एक्सचेंज का, वो भी क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रोमेटा में टर्गर प्रेशर लगता है यानी कि वाटर प्रेशर, जिसकी वजह से जो स्ट्रोमेटा है ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, बहुत सारी चीजें। अब लेंटिकल्स में तो ऐसा होगा नहीं, तो लेंटिकल्स अपनी एक्टिविटी गैसेस एक्सचेंज वगैरह कब करेंगे, जब फैलोजन सेल्स की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, थोड़ा सा मतलब ये कह सकते हैं बोरिंग भी है, आई नो दैट, है ना, लेकिन करना भी है हम लोगों को। नाउ द मोनोकॉट स्टेम्स, मोनोकॉट स्टेम्स की बात करें,
मोनोकॉट स्टेम्स लैक कैम्बियम, मोनोकॉट स्टेम्स में कैम्बियम टिश्यूज नहीं होते हैं, हैंस सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस, इसीलिए मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती। बट एसेसरी कैम्बियम डेवलपमेंट इन प्लांट्स लाइक ड्रैकेना, एगिव, पाम्स एंड रूट्स ऑफ द स्वीट पोटैटोज शोज द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, लेकिन जो एसेसरी कैम्बियम टिश्यूज हैं वो ड्रेसना, एगिव, पाम, स्वीट पोटैटो की रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ को शो करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ। इसीलिए इसको हम लोग सिंपल सेकेंडरी ग्रोथ ना कहके क्या बोलते हैं, एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि एसेसरी कैम्बियम है। एसेसरी कैम्बियम टिश्यूज का मतलब है कि यहाँ पर जो इमेच्योर कैम्बियम टिश्यू होगा, नॉट मेच्योर, इट्स इमेच्योर कैम्बियम टिश्यू, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी इन प्लांट्स में वो भी कैसी होगी, एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ। नेक्स्ट आपका है एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ, ठीक है, लेकिन इसको हम अभी यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग का है वो एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट आएगा, उसके बाद एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट आएगा, देन एनाटॉमी ऑफ स्टेम्स, देन एनाटॉमी ऑफ लीफ। काफी बड़ा चैप्टर है तो इसलिए अभी इतना कंफ्यूजन नहीं करेंगे, यहाँ तक जो सेकेंडरी ग्रोथ था पहले आज कर लिया, एक टॉपिक को क्लियर करेंगे तभी अच्छे से आएगा, सेकेंडरी ग्रोथ हो गया है। उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे उसके बाद एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे। एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, इसमें तो ग्रोथ पढ़नी थी कि कौन से टिश्यूज की वजह से कौन सी ग्रोथ हो रही है, उसमें पढ़ना भी स्ट्रक्चर कि कौन से स्ट्रक्चर की वजह से कौन से स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, राइट। तो इतना कंफ्यूजन नहीं करेंगे अभी एक साथ, अभी आप लोगों को सेकेंडरी ग्रोथ वाला करा दिया है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक बार आपको थोड़ा सा रिविजन तो करना ही पड़ेगा अपनी, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है स्टेट बोर्ड की या रेफरेंस बुक, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा टफ है, मैं खुद बोल रही हूँ, बहुत सारे टिश्यूज के नाम याद करना, सेल्स के नाम याद करना, इट्स नॉट इजी, सो यू हैव टू रिवाइज द होल चैप्टर अगेन, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक पहले अपना कंप्लीट कर लीजिए, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, बाय टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।